जनपद संभल के चंदौसी से भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा संसदीय बोर्ड की बैठक में विधानसभा क्षेत्र चंदौसी से लगातार 8वीं बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में सरल सहज सौम्य स्वभाव की धनी राज्य मंत्री विधायक गुलाबो देवी को बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं जोश की लहर दौड़ पड़ी है। प्रत्याशी घोषित होने पर उनके आवास पर कोरोना महामारी के नियमों का पालन करते हुए सभी लोगों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि विधानसभा की स्थायी निवासी हूं और चंदौसी की बेटी हूं, मुझे यहां की प्रत्येक समस्या के बारे में पूर्ण जानकारी है। यहां की मुख्य समस्या 36B 36C पर अंडरपास बनवाने का सर्वप्रथम प्रयास करूंगी। परिवार में कोई नहीं रुकता है और परिवार का तो कोई रुकता ही नहीं है, वो तो एक ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमें कोई प्यार से हमसे काम ले, और उसके अलावा हमारे परिवार में रूपता कोई नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ की स्थायी निवासी हूँ, यहाँ की हर समस्या मेरी समस्या है और जो जनता ही नहीं उसके लिए झेलती है, मैं भी झेलती हूँ, तो हर एक की समस्या मेरी समस्या है, उस आधार पर मैं यहाँ पे काम करूँगी। उनसे भी ज्यादा प्रयास किया जाएगा, कोई बिंदु अछूता नहीं रहेगा। देखो मेरी प्राथमिकता इस विधानसभा का ही विकास करना नहीं है, पूरे प्रदेश का विकास करना है, जो भी पार्टी मुझे दायित्व सौंपेगी। फिलहाल मेरे लिए विधानसभा का टिकट दिया गया है, इसमें यहाँ के स्थायी निवासी होने के कारण और यहाँ की लड़की होने के कारण मुझे यहाँ की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। कुछ समस्याओं का मैंने निराकरण कर दिया है, कुछ रह गई हैं जैसे अंडर पास, ये समस्या एक रह गई है जिसका मैं बहुत जल्दी ही निराकरण करूँगी। जनता के हित में जो भी जहाँ जहाँ परिस्थितियों के अनुसार जैसी जरूरतों के अनुसार जो भी जनता के लिए आवश्यकता होगी मैं पूरा करूँगी और करती चली आई हूँ। आपने देखा होगा कि जिस समय मुख्यालय बनाने की बात चल रही थी उस समय कितना संघर्ष किया और अपनी चंदौसी विधानसभा में मैं जिला मुख्यालय लाई। जब डिस्ट्रिक्ट जज को लाने की बात चल रही थी सब लोग एक तरफ थे पूरा संभल और मैं खुद में इतनी अड़ी रही कि डिस्ट्रिक्ट जज मैंने चंदौसी में ला के बैठा दिए। और इसके अतिरिक्त बहजोई में रोडवेज का निर्माण कराया, देवापुर गांव में लड़कन्याओं का डिग्री कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है, 3 इंटर कॉलेज जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, निर्माणाधीन चल रहे हैं। तो इस प्रकार से किसानों की समस्याओं को देखते हुए हमने कृषि अनुसंधान केंद्र पलथा गांव में खुलवाया, 20 साल से बीनस शुगर मिल बंद पड़ी थी उसके लिए हमने जो है वो चलवाया वहां पर। तो जहां जहां तक 5 विद्युत उपकेंद्र जो हैं वो उनका निर्माण चल रहा है, कुछ बन भी गए हैं जिससे कि कई कई घंटे बिजली में परेशानी होती थी, आज दिन बिजली जाती थी। तो 5 मैं ये कहना चाहूँगी बीनस शुगर मिल में बहुत पहले जब बंद हुई थी मिल उस समय का बकाया होगा, लेकिन जब से मिल चली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी बकाया नहीं रहा है, बराबर पेमेंट हो रहा है। ऐसा है हमारा परिवार इतना बड़ा है, हमारा परिवार में कोई नहीं रुकता है और परिवार का तो कोई रुकता ही नहीं है, वो तो एक ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमें कोई प्यार से हमसे काम ले, और इसके अलावा हमारे परिवार में रुकता कोई नहीं है।